कल भी आज भी देश का नंबर वन सिर्फ एक आज तक। दिल्ली पुलिस ने दो शख्स मुकेश कुमार और उसके साथी सुधांशु बंसल को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने फर्जी कंपनी बनाकर केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को 2 करोड़ का चंदा दिया है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी दिल्ली के निवासी हैं। सुधांशु बंसल पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जबकि दूसरे आरोपी मुकेश कुमार दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलिंग और तंबाकू का कारोबार करता है। दरअसल दोनों आरोपी फर्जी शेल कंपनी बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते थे। इस मामले की शिकायत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने आर्थिक अपराध शाखा को दी थी। अपनी शिकायत में उन्होंने 4 कंपनियों के नाम लिए थे। जानकारी के अनुसार इन 4 कंपनियों की तरफ से 50-50 लाख रुपए की डिमांड ड्राफ्ट के रूप में आम आदमी पार्टी को चंदे के रूप में दिए गए थे, जिसके बाद शुरू हुई जांच में सामने आया कि इन कंपनियों में प्रीमियम शेयर के जरिए खूब पैसा आया था, लेकिन वो पैसा कहां से आया इसकी जानकारी नहीं मिली थी। देखिए, बासी कड़ी है, उसके अंदर भाजपा बार बार उबाल लगाने की कोशिश करती है, ऐसा होता नहीं है। सबसे पारदर्शी तरीका किसी के डोनेशन लेने का यही है कि आप चेक से डोनेशन लें, चेक की जानकारी आप इलेक्शन कमीशन को दें और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दें। हमने चेक से डोनेशन ली और ये जानकारी सबको दी, तो अब इसके अलावा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमारी नहीं है। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो कई सालों से कर रहे हैं। आपको बता दें कि आर्थिक अपराध शाखा ने 2015 में इस मामले में एक FIR दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी। पुलिस की तफ्तीश में भी पता लगा है कि इन सभी कंपनी के जो पते सरकारी कागजों में दर्ज हैं, वो असल में फर्जी हैं। उस पते पर कोई कंपनी नहीं है।